हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं निधिराज आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आईक्यू स्टार्टअप में। तो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ जो आने वाले समय में विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और साथ ही ये काफ़ी रोचक भी हैं जो आपके नॉलेज लेवल को तो बढ़ाएंगे ही। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं आज के प्रश्नों का सिलसिला। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर विनोबा भावे, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गांधी। सही आंसर है ऑप्शन ए यानी डॉक्टर विनोबा भावे। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी अलबरूनी या फिर ऑप्शन डी इब्न बतूता। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी वास्को डी गामा। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन बी 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा या फिर ऑप्शन डी 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आंसर है ऑप्शन ए यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1961 या फिर ऑप्शन डी 1983। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 1961 में। इसका हमारा पांचवा प्रश्न है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी हरियाणा। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25 या फिर ऑप्शन डी 26। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 25। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी भूटान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी भूटान। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 25 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज का हमारा नौवां प्रश्न है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति। आज का हमारा अंतिम यानी दसवां प्रश्न है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी, ये क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अपनी पसंद बताने के लिए वीडियोस को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर
और साथ ही ऐसे और भी रोचक जानकारियों के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।